और विजय भाई क्या कर रहे हो, हमें भी दिखाओ। अरे भाई ये देखो, ये कोकोपीट दिखाओ भाई। कोकोपीट है और इसमें जो टमाटर की पोत तैयार करूंगा मैं, ठीक है? टमाटर की पोत। अच्छा भाई, तो पूरी आपको जानकारी दूंगा कैसे टमाटर की पोत तैयार करनी है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, आज की वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये देखो, ये है कोकोपीट का बुरादा, ये देखो ये, ठीक है? हाँ भाई, ये देखो ये बुरादा है और ये हरदर है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है साथियों, इसको भिगोना है, ठीक है? इतना भिगोना है जो पूरा भीग जाए अच्छे तरीके से। फिर इसको 24 घंटे तक ड्राम में रखना है। आप किसी भी खुले बर्तन में जो है इसको भिगो कर छोड़ सकते हो 24 घंटे तक इसको भिगो कर रखना। उसके बाद इसको ऐसे निकाल लेना भाई, करेट वगैरह में जहाँ से पानी निकलने का साधन हो उसमें इसको डालना है। एक क्रेट है, देखो क्रेट है, क्रेट में चुन्नी लगा रखी है ताकि पानी नीचे निकल जाए, ठीक है? अच्छे तरीके से सारा निकाल के उसके बाद हमें दूसरा जो प्रोसेस करना है वो आगे वीडियो में बताऊंगा क्या प्रोसेस करना है, ठीक है? वीडियो में बने रहे साथियों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा लीजिए साथियों, बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है? तो ये देखो साथियों, भाई ये तो बहुत मेहनत वाला काम लगता है भाई। मेहनत है लेकिन मेहनत के साथ क्या है कि इनकम भी बढ़िया है साथियों, इनकम भी बहुत बढ़िया है। देखो पानी निकल रहा है नीचे से, पानी निकल रहा है, देखो कैसे निकल रहा है, ये देखो पानी, तो ऐसे जो है निकल जाएगा ये पानी। फिर इसको अच्छे तरीके से ऐसे कर लीजिए ताकि पानी जो है और निकलता रहे, ऐसे कर लीजिए साथियों ताकि पानी पूरा निकल जाए, ठीक है? अच्छे तरीके से इसको ऐसे करते रहिए, अच्छे तरीके से मिला लीजिए साथियों इसको ताकि ये पानी जो है सारा निकल जाए। उसके बाद अगली जो प्रक्रिया करनी है वो आपको बताता हूँ। सारा निकालने के बाद हमें अगला जो काम करना है वो करना है इसकी जो नमी है, इसमें 100% नमी है साथियों, अभी 100% नमी है, 100% में से सिर्फ 10% नमी ही हमें इस कोकोपीट में रखने, बाकी सारी निकालनी है। कैसे निकालनी है देखो, ऐसे आपके साथ देखो ऐसे पानी निकलेगा, ठीक है? ऐसे दोनों मुठियाँ ऐसे करनी है और ऐसे कर दो, ठीक है? ये बच गया, इसको ऐसे घेर दो, इतना बुरादा लो कोकोपीट का और उसको ऐसे कर लो, ठीक है? ऐसे एक कोकोपीट का जो मंडल होता है साथियों, एक कोकोपीट का जो मंडल होता है वो 4.5 किलो का मंडल होता है साथियों। उसमें कितनी ट्रे भर जाती है आगे वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। पहले देख लो भाई, ऐसे निचोड़ना है इसको, ठीक है? ऐसे निचोड़ना है, 100 में से सिर्फ 10% नमी रह जाए ना तब हमें निचोड़ना बंद करके और इसको एक खुले बर्तन में डाल लेना है, ये देखो ऐसे, ठीक है? ये प्रक्रिया हमें करते रहना है और सारा जो है अच्छे तरीके से निचोड़ देना है साथियों। सिर्फ 10% नमी ही रहनी चाहिए। देखो इसमें आपको 10% नमी कैसे रहेगी, कैसे पता लगेगा कि इसमें 10% नमी रही है? ये देखो पहले मुट्ठी ऐसे ऐसे मुट्ठी में ले लो, ठीक है? इतना मुट्ठी में लो, ठीक है? उसको देखो ऐसे निचोड़ के देखो, इतना पानी टपके तो समझ लेना इसमें 10% नमी है, ठीक है? ये पानी देखो ऐसे टपक रहा है पानी, ये देखो इसे पता लगेगा कि इसमें 10% नमी है साथियों, ठीक है? तो ये प्रक्रिया हमें कर लेनी है। इसके बाद अगला जो काम करना है वो भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि आगे हमें क्या काम करना है साथियों। हाँ तो साथियों ये देखो भाई, तो हमारा ये तैयार है। उसके बाद अगला जो हमें काम करना है इसमें ये मिलाना है, ये जो है इसमें ये वाला जो चीज है, ये चिमकने चिमको आपको नजर आ रही होगी, ये जो है ट्रे जो होती है उसको चिपकने नहीं देता, जो कोकोपीट होता है उसको चिपकने नहीं देता साथियों, उसको अलग रखता है, ठीक है? तो फिर इसको ऐसे डाल के ऐसे मिला लेना है अच्छे तरीके से, ऐसे मिला लेना है साथियों, मिलाना भाई इस चीज को। एक जो 4 किलो का ये बंडल आता है, करीबन 200 रुपये का ये बंडल आता है कोकोपीट का, पानी में भिगोने के बाद ये पूरा फैल जाता है साथियों। और उसके बाद जो है इसमें तकरीबन 28 से 30 जो ट्रे होती है
वो बढ़ जाती है 28 से 30 ट्रे आराम से बन जाती है साथियों। देखो अच्छे तरीके से मिल गया साथियों, ये देखो। अब हमें अगली जो प्रक्रिया करनी है कोको पीट इन ट्रे में डालने की, ठीक है। ये देखो ये वाली ट्रे, ट्रे पे ऐसे निकाल देना है, ठीक है। ऐसे जो है कोको पीट हमें भरना है, अच्छे तरीके से सारी सभी को जो सभी खाने, इसमें 98 खाने हैं, एक ट्रे में 98 खाने हैं साथियों। ये देख लो ट्रे, इसमें 98 खाने हैं, 98 खानों वाली ट्रे है ये देखो, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, कवर करने के बाद ये वापस एक्स्ट्रा जो है इसको वापस वहाँ रख दो भाई। उसके बाद दूसरी जो ट्रे है उसको लो और ऐसे दबाव करो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ दबाव करो साथियों, फोर्स करो नीचे की तरफ। उसके बाद ये देखो ऐसी जगह बन जाएगी साथियों, ऐसे ये देखो ऐसी जगह बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें जो अगली प्रक्रिया करनी है वो आगे बताऊंगा, पहले जो सारी ट्रे जो ये भर लेते हैं साथियों, ये सारी ट्रे जो है ऐसे ही भर लेते हैं, इसको साइड में रख दो। उसके बाद अगली ट्रे ले लो, ये देखो हमने ट्रे ले ली है और यही प्रक्रिया फिर से अगली ट्रे में भी करनी है आपको, ऐसी प्रक्रिया अगली ट्रे में भी आपको ऐसे करना है साथियों। ये देखो तो साथियों जो अगली प्रक्रिया है, ऐसे बीज को फैला लीजिए, ये देखो ये टमाटर का बीज है, इसका ऐसे फैलाकर एक एक बीज ऐसे टेकना है, ये देखो एक एक बीज ऐसे बीच में टेकना है, साइड में नहीं निकालना, बिल्कुल बीच में टेक, बीच में टेकना साथियों। ये देखो इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन 100 का 100 बीज जमता है साथियों, 1% भी ऐसा नहीं कि बीज आपका जमेगा नहीं, 100% बीज जर्मिनेशन लेगा साथियों, इसमें 100% बीज। जगह रहती है खाली, इस पर जो है ऐसे फैला दीजिए कोको पीट को, ऐसे फैला कर और ऐसे कर दीजिए साथियों, एक साइड में निकाल दीजिए इसको, जो एक्स्ट्रा ऊपर का रह जाएगा उसको निकाल दो ऐसे। तो ये आपकी ट्रे बिल्कुल तैयार है, आगे हमें क्या करना है वो आगे वीडियो में दिखाऊंगा पूरी प्रोसेस आपको, वीडियो में बने रहे साथियों। तो ये देखो भाई ये बिल्कुल अभी तैयार है, बीज डाल के इसके ऊपर कोको पीट हमने और चढ़ा दिया है बीज के ऊपर, और इसको कर देते हैं हम साइड में, इस साइड हमने पहले भी क्रेट वो रखी है, ये देखो ये जो है अभी 3 दिन हुए इनको, आगे 3 दिन में इनका जर्मिनेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मैंने देखा था उखाड़ के, तो इनका जो है शहरों चले हुए हैं साथियों, ठीक है। आगे 3 दिन में अच्छे से जमाव ले जाएगी साथियों, और ये जो बंडल आता है 4 किलो का बंडल आता है, 4 सवा 4 किलो का, 4.5 किलो का भी हो जाता है, 180 रुपये का 200 रुपये के करीब ही आता है साथियों। और इसमें जो है आप
98 खाने वाली 30 ट्रे तैयार कर सकते हो साथियों, ठीक है, 30 ट्रे तैयार कर सकते हो। तो ये देखो, पहले जो हमने इस पर पानी छिड़का था, ये जो लाइन में रो में लगाने के बाद इस पर हमने जो है पानी छिड़का। पानी कैसे छिड़कना है आपको, जो दवाई वाली आपकी टंकी होती है उसको अच्छे तरीके से साफ कर दो। साफ करने के बाद इनको जो फुहारा चला दो ऊपर पानी का, उसके बाद ये जो जुटकी बोरियां ना, ये बोरियां ये गिल्ली करके इनके ऊपर ढक दो भाई ऐसे। उसके बाद 7वें 8वें दिन बाद जो है ये पूरा जर्मिनेशन ले जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है साथियों, जब जर्मिनेशन ये बीज ले जाएगा तब आगे के पार्ट टू बनाऊंगा कि कैसे इनको अच्छे से संभाल कर रखना ताकि पौधे मरे ना, सूखे ना साथियों, वो अगली वीडियो में यानी पार्ट टू में दिखाऊंगा। तो पार्ट वन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए जय जवान जय किसान।